दोस्तों यदि आपसे कहा जाए कि आपको आटा, चावल, तेल और चीनी इन चार चीज़ों को बेचकर अपना बिजनेस शुरू करके उसको एक बड़ा स्टार्टअप बनाना है, दोस्तों आप भी कहेंगे कि यार इन चार चीज़ों को बेचकर क्या ही कोई एक कंपनी बना लेगा और कितना प्रॉफिट हो जाएगा इनको बेचकर। लेकिन दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जिस शख्स की बात करेंगे उन्होंने इन चार चीज़ों को ही बेचकर लगभग 1000 करोड़ से भी ज़्यादा की कंपनी खड़ी कर दी, वो भी बिना किसी दुकान के, बिना किसी गोदाम के। तो दोस्तों क्या स्ट्रेटजी लगाई, कैसे किया उन्होंने, जानने को मिलेगा सब कुछ आज की इस वीडियो में। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारी छोटी सी यूट्यूब फैमिली के साथ जुड़कर इसको और भी बड़ा करें ताकि आपको भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज लगातार मिलती रहें। दोस्तों ये स्टोरी है कानपुर के रहने वाले शशांक की। दोस्तों शशांक ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद 3 साल तक पहले MNC में नौकरी की। MNC में नौकरी करने के बाद फिर उन्होंने सोचा क्यों ना MBA की पढ़ाई की जाए, जिससे हम मुझको और अच्छी नौकरी मिल सकती है, मेरा सैलरी पैकेज और भी अच्छा हो सकता है। इसीलिए उन्होंने कैट की परीक्षा दी। कैट की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने IIM कोलकाता में एडमिशन भी मिल गया, जहाँ से उन्होंने MBA की पढ़ाई भी की। MBA की पढ़ाई पूरी करने के बाद फिर उनको अच्छी जॉब के ऑफर भी आने लगे। उन्होंने विप्रो और उबर जैसी कंपनियों में नौकरी भी की। लेकिन उनकी अच्छी खासी नौकरी होने के बाद भी उनको लगता था कि मुझे अपना कुछ स्टार्टअप करना चाहिए। लेकिन तभी आ गया साल 2020। साल 2020 में कोरोना की वजह से लॉकडाउन हो गया, सभी की नौकरियां जा रही थी, तो इस तरह से शशांक की भी नौकरी चली गई और वो भी घर बैठ गए। लेकिन उस टाइम पर शशांक ने देखा कि लोगों के लिए जो सबसे बेसिक नीड है वो थी खाना, और क्यों ना कुछ ऐसा स्टार्टअप या ऐसा कुछ अपना बिजनेस किया जाए जिससे लोगों को खाने से रिलेटेड जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड की जाएं। लेकिन अब शशांक ने अपना जब दिमाग लगाया तो उन्होंने ये पाया कि भैया अगर खाने के आइटम में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो अगर मैं काफ़ी सारी चीज़ें का एक साथ बिजनेस करूँगा तो उसमें पैसा भी काफ़ी ज़्यादा खर्च होगा, मैन पावर भी ज़्यादा चाहिएगी। तो उन्होंने कुछ ऐसी जो बेसिक चीज़ें थी वो डिसाइड की कि भैया मुझको इस तरह का कुछ बिजनेस करना है, और उसमें थी आटा, चावल, तेल और चीनी। ये बेसिक चार चीज़ें थी जो सबसे बेसिक चीज़ें थी। तो उन्होंने सोचा कि इन चार चीज़ों को लेकर ही कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं। अब शशांक ने मार्केट में ये सब चीज़ें देखनी शुरू की कि भैया किस तरह से चीज़ें काम करती हैं। तो शशांक ने देखा कि भैया यहाँ पर तो बहुत जटिल बाजार है, काफ़ी सारे होलसेलर हैं, काफ़ी सारी मार्केट हैं, काफ़ी सारी छोटी दुकान है, बड़ी दुकान है, डीलर्स हैं, एक मायाजाल है पूरा इस तरह की मार्केट का। तो उन्होंने ये स्ट्रेटजी अपनाई कि अगर मैं छोटे दुकानदारों को अपना माल सप्लाई करूँगा तो वो काफ़ी कम मात्रा में लेंगे, और ये सब चीज़ें ऐसी इनमें बहुत ही कम मात्रा में प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम होता है, तो उससे प्रॉफिट बहुत कम होगा और एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा, उसके लिए अपना गोदाम बनाना पड़ेगा, दुकान डालनी पड़ेगी, अपना कुछ वेयर हाउस इस टाइप की चीज़ें वहाँ पर उनको करनी पड़ेंगी। लेकिन उन्होंने वहीं सोचा कि क्यों ना मैं इन छोटे दुकानदार को स्किप करके सीधी जो बड़ी मछलियाँ हैं, जैसे कि होलसेलर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं या कोई बड़ी कंपनीज हैं, इस तरह के उनको डायरेक्ट माल सप्लाई करूँ। और यहीं से उनका ये आइडिया आया, और इसी स्ट्रैटेजी पर काम करते हुए इन्होंने साल 2021 में पोषण नाम का छोटा सा स्टार्टअप भी शुरू कर दिया, जिसमें ये सप्लायर से उठाकर सीधे माल डिस्ट्रीब्यूटर या होलसेलर को भेज देते थे। उसमें इनको फ़ायदा ये होता था कि इनको ना तो उसके लिए दुकान डालने की ज़रूरत थी, ना अपना खुद का वेयर हाउस लगाने की ज़रूरत थी, और ना मैन पावर ही लगाने की ज़रूरत थी, जिससे सीधा सीधा कॉस्ट कटिंग हो रही थी और जो प्रॉफिट होता वो सीधे सीधे इनको ही होता। इस तरह से इनका जो आइडिया था धीरे धीरे काम करने लगा। जो बड़े होलसेलर थे, जो बड़े डिस्ट्रीब्यूटर थे या जो बड़ी कंपनियाँ थीं, वो इनसे आकर जुड़ने लगी, क्योंकि ये शुरुआत में अपना प्रॉफिट मार्जिन काफ़ी कम रखते थे, और जो इनकी ये लागत कम लगती थी उसकी वजह से भी इनका जो प्रॉफिट था वो अच्छा निकल जा रहा था। तो इस तरह से इनका पोषण जो स्टार्टअप था धीरे धीरे ग्रो होने लगा। फिर इन्होंने अपने आसपास के इलाकों के जो बड़े होलसेलर थे, डीलर्स थे, उनको भी टारगेट करना शुरू किया, उनको अप्रोच करना शुरू किया। इनका सीधा सा फंडा यही था कि भैया बल्क में माल लो और बल्क में ही उसको फिर बेचो, जिससे जो प्रॉफिट होगा वो भी अच्छा खासा हो सकता है, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन पर काफ़ी कम मार्जिन होता है। और इसी स्ट्रेटजी पर काम करते हुए शशांक ने अपना जो ऑर्डर रखा वो लगभग 2 लाख का रखा कि भैया कोई भी अगर माल लेगा तो वो एक ट्रक माल जरूर लेगा, एक ट्रक माल नहीं लेगा तो कम से कम आधा तो लेगा ही लेगा, जो बंदा आधा ट्रक माल नहीं लेगा उसके साथ हम धंधा नहीं करेंगे। जिसकी कॉस्ट थी लगभग 2 लाख, यानी कि कम से कम 2 लाख का अगर कोई माल इनसे लेगा तो ये उसके लिए माल दे देंगे। लेकिन दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि यार अगर छोटे दुकानदार को नहीं देंगे तो इनका फिर बिजनेस ग्रो कैसे कर रहा है, अगर डायरेक्ट बड़ी मछलियों को पकड़ेंगे तो बड़ी मछलियाँ तो काफ़ी कम हैं और छोटे दुकानदार तो काफ़ी ज़्यादा हैं। तो दोस्तों अगर ये बड़ी मछली को पकड़ेंगे, मान लो अगर किसी एरिया के होलसेलर को इन्होंने पकड़ लिया और उसको ये माल दे रहे हैं,
तो उस एरिया के जितने जो छोटे दुकानदार हैं वो उस बड़े होलसेलर से लेंगे, तो इनडायरेक्टली माल तो इन्हीं का जाएगा, ये पहले होलसेलर को देंगे और होलसेलर फिर छोटे दुकानदार इनसे ले लेंगे, तो बात तो वही है। तो ये बड़ी डील इसलिए करते हैं ताकि प्रॉफिट मार्जिन ज़्यादा आ सके और उसमें एफर्ट कम करना पड़े। अगर ये हर एक छोटे दुकानदार को टारगेट करेंगे तो उसमें मैन पावर लगेगी और उसमें कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी और माल भी फिर छोटे दुकानदार कम लेंगे, तो इस तरह से ये बड़ी मछली को ही टारगेट करते हैं। कंपनी के लिए प्लस पॉइंट ये है कि कंपनी के पास ना तो कोई वेयर हाउस है, ना कोई इनकी दुकानें हैं जहाँ पर इनका माल स्टॉक हुआ रहता है, जिससे कि भैया उसको मेंटेन करना पड़े, उसमें खर्च काफ़ी ज़्यादा है। इनका सिंपल सा फंडा यही है कि भैया इनके जो सप्लायर हैं, जो कंपनियां माल बनाकर देती हैं, उनसे इनका कॉन्टैक्ट हुआ हुआ है। दूसरी तरफ जो शहर के बड़े होलसेलर हैं, डीलर हैं या डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी हैं, उनसे इनके कॉन्टैक्ट हैं। तो भैया जब कंपनी इनको ऑर्डर देती है किसी माल के लिए तो ये सीधा सप्लायर के पास जाते हैं, सप्लायर से जितना ऑर्डर होता है सीधा सप्लायर से उठाकर उसको फिर होलसेलर या डीलर के पास भेज देते हैं, जिसमें इनका जो मुनाफा है वो हो जाता है और ना इनको सामान रखने की झंझट, ना वेयरहाउस बनाने की झंझट, सीधा सप्लायर से उठाया, डिस्ट्रीब्यूटर या दुकानदार तक पहुंचा दिया। इस तरह से इनका स्टार्टअप काम करता है और इसी काम को करने के चलते ही आज ये कंपनी लगभग 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा की हो चुकी है और केवल 4 चीज़ों में डील करते हैं, आटा, चावल, तेल, चीनी में ही डील करती है। और कंपनी का कारोबार लगातार बढ़ता जा रहा है, आज कंपनी का कारोबार यूपी, दिल्ली, हरियाणा, मध्य प्रदेश इन जैसे बड़े शहरों में भी फैल रहा है। और कंपनी ने एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ को देखते हुए मिल्क सेक्टर में भी उतरने का फैसला किया और कंपनी ने पिछले कुछ समय से मिल्क इंडस्ट्रीज में भी कदम बढ़ाए हैं और कंपनी ने उसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पर भी बरकरार रखा है। कंपनी किसानों से या फिर जो ऐसी कंपनियां हैं जो किसानों से मिल्क इकट्ठा करती हैं और उनको फिर अपने चिलिंग स्टोर में ठंडा करने के लिए रखती हैं, उनसे ये दूध को खरीद कर फिर जो बड़ी कंपनियां हैं, पारस, परम, गोवर्धन, इन जैसी बड़ी कंपनियों को ये सप्लाई कर रहे हैं और उसमें किसानों को भी अच्छा रेट मिलता है और कंपनी भी उससे अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और मिल्क सेक्टर में भी ये काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहे हैं, आज मिल्क सेक्टर में ये महीने का लगभग 60 करोड़ की प्रॉफिट भी जनरेट कर रहे हैं, जिससे कंपनी धीरे धीरे काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती जा रही है। आज इस कंपनी के जो ग्राहक हैं उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां शामिल हैं, जैसे कि रिलायंस, जेप्टो, बिग बास्केट, लॉर्ड्स होलसेल, सिटी मॉल, इन जैसी बड़ी कंपनियां तो हैं, साथ में छोटे बड़े जो होलसेलर और डीलर हैं वो भी आज कंपनी से जुड़कर कंपनी से अच्छा खासा व्यापार कर रहे हैं। इसीलिए आज कंपनी लगभग 600 करोड़ रुपए हर साल कमा भी रही है। तो दोस्तों आज की इस स्टोरी में इतना ही, वीडियो कैसी लगी कमेंट में अपनी राय जरूर दें। थैंक्स फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।